So welcome back everyone. Furkan Amin Motiwala, your other side. As a personal trainer, financial coach. Friends, आज हम लोग day 2 में आ चुके हैं fundamental analysis of stock market, जो कि आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत important है अगर हम अपनी investing journey start करना चाहते हैं stock market में. And friends, अगर आप लोगों ने day 1 की series को miss कर दिया हो तो I button पर link दे दूंगा मैं. वहाँ पर आप जाके आप देख सकते हैं कि day 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें cover up की हुई है stock market के कुछ fundamental basics, कुछ एक right mindset आपको देंगे, कुछ belief system. And क्या वाकई में स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं, तो वो सीरीज में आपको कवर होगा डे वन वाले में. अगर हम डे टू की बात करें फ्रेंड्स, तो डे टू का टॉपिक है कि फाइव बिगेस्ट मिस्टेक्स इन स्टॉक मार्केट. जी फ्रेंड्स, होता क्या है कि ज्यादातर लोग जब अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम और आप कर बैठते हैं. इवन मैंने भी करी थी और मुझे वो चीजें पता चली. जब हमें पता नहीं होती तो हम मिस्टेक करते हैं, बट जब हमें पता चल जाती है तो वो मिस्टेक को अवॉइड करके हम अपना टाइम और अपने प्रॉफिट्स को दोनों को सेव कर सकते हैं लॉस होने से. तो फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें और आपको एक राइट फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाली है इस पूरी एंटायर सीरीज में. स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले कुछ फंडामेंटल एनालिसिस मस्ट हैं एज अ इन्वेस्टर, तो वो आपको इस पूरी सीरीज में मिलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी पांच गलतियां हैं जो अगर हमें पता चल जाए, अगर हमने उसे अवॉइड कर लिया तो प्रॉफिट्स भी ज्यादा होगा और साथ ही साथ लॉस होने से भी बच जाएगा और टाइम भी बच जाएगा. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग अब कर बैठते हैं एज अ बिगनर्स, वो आता है कि जो स्टॉक के जो प्राइजेस होते हैं फ्रेंड्स, स्टॉक प्राइजेस डोंट मैटर. यानी फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को क्या बता दिखाना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस होते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी भी अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास घर में कोई ना कोई डिश टीवी होगा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड जिसकी आप ब्रांड्स आप यूज़ कर रहे होंगे, तो उन कंपनीज के ब्रांड कोई अगर हम बात करें कि अगर हम स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो हमारा राइट परसेप्शन क्या होना चाहिए और रॉन्ग परसेप्शन क्या होता है, मैं दोनों ही पे आता हूँ. यहाँ पर फ्रेंड सारा गेम हमारा परसेप्शन का है, हमारे नज़रिए का है कि हम कैसे स्टॉक को देखते हैं. यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रॉन्ग परसेप्शन दिखाता हूँ कि क्या होता है. जब हम एज अ बिगनर होते हैं, हमें चीज़ें आइडिया नहीं होती है, राइट नॉलेज नहीं होती, तो हम क्या सोचते हैं कि फ्रेंड्स कि इसका जो है जो प्राइस है वो सस्ता है, वो महंगा है. जैसे एग्जांपल, हमने बेसिकली IRCTC का स्टॉक खरीदा था जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो 4900 का रुपीज़ का एक शेयर था अप्रॉक्स जो मैंने कुछ टाइम पहले बाई किया था, और वो स्प्लिट हुआ था शेयर 800 रुपीज़ के हिसाब से. फिर तो जब वो 4900 रुपीज़ का शेयर था, अब मुझे किसी ने अगर बोला होता कि ये जो 4900 का शेयर एक शेयर है IRCTC का, वो काफ़ी महंगा है, आप क्यों ना वोडाफोन का शेयर ले लो, उसके कंपेयर में 14.5 का मिल रहा है. टाटा कॉफ़ी का शेयर ले लो, 200 रुपये का शेयर मिल जाएगा. बट यहाँ पर फ्रेंड्स, स्टॉक प्राइजेस जो है, प्राइजेस मैटर ही नहीं करता. हमें स्टॉक को इस तरीके से नहीं देखना कि उसकी प्राइस बढ़ रही है घट रही है, नो. हमें क्या देखना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो प्राइसेस है वो मैटर नहीं करेगा. प्राइसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमने बात करी कि IRCTC का शेयर मेरे अकॉर्डिंग सस्ता हुआ, क्यों? क्योंकि जो MRF है उसका शेयर कितना है, 71,000 रुपीज़ का एक शेयर है, तो वो महंगा. उसके कंपेयर में सस्ता कैसे हुआ, 14 रुपये का शेयर वोडाफोन का. जैसे एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हम बात करें अगर आप एक शर्ट लेने जाते हैं, एक 100 रुपये की शर्ट भी मिल जाएगी, एक 5000 रुपये की शर्ट भी मिलेगी, और एक 15000 वाली भी शर्ट मिलेगी, एक शर्ट ब्रांडेड लेने जाएंगे तो वो क्या हो गया, कंपेरिजन आ जाते हैं. हमें प्राइस कंपेरिजन पर नहीं आना, हमें स्टॉक को प्राइस के वाइज देखना ही नहीं है. हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, हमें देखना है बिजनेस मॉडल क्या है. जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बिजनेस मॉडल को एनालाइज करना है कि जैसे कि IRCTC की बात करें तो वो क्या है, एक हिसाब से इंडियन रेलवेज है, तो उसका बिजनेस मॉडल क्या है रेलवेज, उसके साथ साथ उसके फंडामेंटल्स को हमें एनालाइज करना है, फंडामेंटल्स को हमें देखना है. फंडामेंटल्स में आपकी सारी फाइनेंशियल्स आएंगे कि उसका IRCTC का रेवेन्यू कितना हुआ, 3 साल का 4 साल का 5 साल का, लेटेस्ट 3 साल का देखेंगे. इसी के साथ साथ प्रॉफिट कितना हुआ, नेट इनकम कितनी हुई, कैश फ्लो कितना हुआ, ये सारी चीजें देखेंगे हम. अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली आप पैसा लगाओगे, आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा. जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा फ्रेंड्स के टाइटन का 10 साल पहले का शेयर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 10 साल पहले क्या शेयर था 2009 में, और आज उसका शेयर कितना है.
तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, बिजनेस बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, शेयर होल्डर्स को भी मुनाफा होगा। बट हमें स्टॉक नजरिया इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना कि वो प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, हमें उसके बिजनेस मॉडल को समझना है और उसका फंडामेंटल्स, हर साल उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगी। और ये फंडामेंटल्स हम लोग पूरी इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज मिलती रहे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करता। अगर हमने जैसे एग्जांपल देखें कि हमने टाटा के मतलब 100 शेयर्स बाय कर लिए कंपेयर टू MRF का, क्योंकि MRF का बहुत महंगा है। अगेन वही मैंने बोला, महंगा सस्ता कुछ भी नहीं देखना, हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है, हमारा नजरिया इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर होप्स आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। और ये एक और चीज़ आती है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कुछ कंपनीज अपने शेयर्स को स्प्लिट भी करती हैं। स्प्लिट करना यानी शेयर्स को तोड़ना, जैसे 4900 का शेयर मैंने लिया था IRCTC का, अब उसका हो गया 800-850 के आसपास, यानी 5 शेयर्स हो गए उसके। एक शेयर मैंने लिया था उसे उसने टुकड़े में डिवाइड कर दिया। वो करती क्यों है? ताकि और भी इन्वेस्टर्स उसे बाई कर पाएँ, अफोर्ड कर पाएँ। तो हुआ क्या कि कुछ कंपनीज करती हैं स्प्लिट, कुछ नहीं करती। जैसे MRF का 70,000 rupees का एक शेयर है, उसने नहीं स्प्लिट किया क्योंकि उसे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है कंपनी की, तो उसे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे नजरिया क्या होना चाहिए, हमारे जो बिगेस्ट मिस्टेक है कि हम सोचते हैं कि प्राइसेस, अगर हमने किसी ने अगर हमारे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि तुम ये वाला ले लो, ये सस्ता है वो महंगा है, तो हमारा परसेप्शन क्या होना चाहिए फ्रेंड्स आज ही से कि हमारा प्राइस देखना ही नहीं है, महंगा है सस्ता है डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, मैटर ये करता है। नाउ फ्रेंड्स सेकंड जो बिगेस्ट मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में, और वो है फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग LATE, यानी बहुत देरी से स्टार्ट करना अपना इन्वेस्टिंग जर्नी। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं अपनी बात बताऊँ, फ्रेंड्स मैंने अभी इस स्टेज पर मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी कुछ टाइम पहले, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट करी। नो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत लेट से स्टार्ट करी, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपने जल्दी स्टार्ट कर ली, तो वो कैसे फ्रेंड्स माइंडसेट का डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लेट स्टार्ट करना इज अ बिगेस्ट मिस्टेक, मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मानते हैं कि दो पर्सन होते हैं, एक होता है राम जो 18 साल के होते हैं और एक होते हैं श्याम जो होते हैं 28 साल के। अब राम को ये फाइनेंशियल एजुकेशन स्टॉक मार्केट 18 साल में समझ में आनी शुरू हो जाती है और वो सोचते हैं कि अपने करियर को बूस्ट करना चाहिए, अपने करियर को स्टार्ट करना चाहिए, डेवलप कर देना चाहिए अभी से। और श्याम को ये सारी चीज़ें पता लगते लगते थोड़ा सा लेट होता है, 28 साल में वो स्टार्ट करते हैं, यानी दोनों के एज में कितना डिफरेंस आ गया, 10 ईयर्स का। अब 10 साल के डिफरेंस में फ्रेंड्स पोर्टफोलियो, दोनों के पोर्टफोलियो जब बनेंगे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, तो करोड़ों का डिफरेंस आ जाता है, लाखों को का करोड़ों का। कैसे, आई विल शो यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि जो राम है वो एज अ स्टूडेंट लेवल पर थे, स्टडी कर रहे थे और हर महीने उन्हें घर से कुछ पॉकेट मनी मिलती थी, 100, 200, 500, 1000 अप्रॉक्स लेते हैं, 500 उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी। ये 500 का उन्होंने हर महीने SIP करा लिया। और वहीं पर जब शाम को 28 साल की एज में पता चला तो इन्होंने भी 500 रुपये के हिसाब से SIP उन्होंने करानी शुरू कर दी हर महीने। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं कि 60 इयर्स तक हम काम करते हैं एग्जांपल, राइट, और मान लेते हैं कि उन्होंने राम ने 18 साल में स्टार्ट करा, यानी 60-18=42 ईयर्स, यानी 42 ईयर्स है राम के पास वो इन्वेस्ट करने के लिए। और श्याम के पास कितने होंगे, यानी 10 साल माइनस कर लें तो श्याम के पास होंगे 32 ईयर्स बचे हैं अभी स्टिल अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों के पोर्टफोलियो में डिफरेंस कैसा आया, लेट्स सी फ्रेंड्स। जैसा आप यहाँ पर फ्रेंड्स देख पाएंगे SIP कैलकुलेटर बहुत अमेजिंग है फ्रेंड्स, आपको रिटर्न्स कितनी मिल सकती है अप्रॉक्स आपको बता देता है। मान लेते हैं राम जो है उन्होंने 500 रुपये इन्वेस्ट करे, 42 ईयर्स है उनके पास, इन्वेस्ट करते रहेंगे मतलब 500 रुपये हर महीने इंटू 42 ईयर्स, और 15% की रिटर्न मान लेते हैं, 15% फिक्स नहीं है, वेरी करेगा 12-15 के बीच में, मतलब और मार्केट अच्छी होगी तो आगे भी जा सकता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई राम की, वो हुई 2.5 लाख और 42 ईयर्स में,
और वेल्थ उनकी कितनी गेन हुई, लगभग हुई 2.1 करोड़। ये एक फिगर माइंड में रखिएगा, 2.1 करोड़। अब वहीं पर अगर श्याम की बात करें, उन्होंने 28 साल में स्टार्ट किया था, तो श्याम ने किया अगेन यही सेम 500 रुपये हर महीने किया उसने, 32 साल रह गए श्याम के पास 60 साल के हिसाब से, इनटू 15% के हिसाब से मान के चले तो टोटल श्याम ने जो इन्वेस्टमेंट की वो की 32 इयर्स में लगभग आई 1.9 लाख। अब 1.9 लाख का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या आया निकलकर, 45 लाख। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखें दोनों में डिफरेंस कितना आया, वहाँ पर फ्रेंड्स डिफरेंस आ रहा था उसका लगभग 2.1 करोड़, यानी 2 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू हो गई। 500 रुपये 42 ईयर्स तक उसने इन्वेस्ट करे तो जितनी अमाउंट आई उसका 42 मीन्स उसका कितना हो गया लगभग 2.1 करोड़, और इसका कितना हो गया 45 लाख, यानी डिफरेंस कितना आ गया फ्रेंड्स, 1.5 करोड़ का डिफरेंस आ गया फ्रेंड्स वेल्थ गेन में, यानी प्रॉफिट जो मिला दोनों को। तो ये फ्रेंड्स आता है जल्दी स्टार्ट करने का। अब कुछ लोग हो सकते हैं फ्रेंड्स ये बोले कि हम तो 500 रुपये हर महीने नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप 100 से तो स्टार्ट कर सकते हो, 100 रुपीज से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं हर महीने तो इसका क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसे देखते हैं एक बार। तो जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे, आपके सामने प्रैक्टिकल है, SIP कैलकुलेटर हमने खोला हुआ है। पहले हम राम का देखते हैं कि 100 रुपीज उसने इन्वेस्ट करे, 42 ईयर्स तक वो करता रहा तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 50,000 रुपये हर महीने। 100 रुपये उसने इन्वेस्ट करे हर महीने 42 ईयर्स तक वो करेगा तो 50,000 रुपये हुए। वो 50,000 की उस टाइम पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी लगभग 41 लाख। ये एक फिगर है। अब श्याम की देखें, हर महीने उसने 100 रुपये के हिसाब से जोड़े और वो कितने साल तक करेगा, वो 32 ईयर्स तक उसने जोड़े, SIP में वो डालता रहा, 15% की रिटर्न आई, 100 रुपये हर महीने करे उसने 32 ईयर्स तक वो करते रहेगा तो उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई टोटल, 38,000 रुपीज। अब वो 38,000 का उस टाइम में कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी लगभग 9.1 लाख। जी यानी कहाँ पे डिफरेंस समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें राम की कितनी डिफरेंस थी 41 लाख 100 रुपीज के हिसाब से, और इसकी कितनी हुई श्याम की 9 लाख, यानी डिफरेंस कितना आ गया 32 लाख का, और सिर्फ कितने साल में फ्रेंड्स, 10 साल का डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि पैसे को कंपाउंड करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और वो टाइम आप ज़्यादा दे पाओगे अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो ये फायदा है फ्रेंड्स जल्दी स्टार्ट करने का। नेक्स्ट मिस्टेक फ्रेंड्स जो हमें यहाँ पर देखनी और उस चीज़ को फिगर आउट करना है, और वो आता है फ्रेंड्स कि वेस्टिंग मनी नॉट इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्ट ना करते हुए हम पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग यूनिक हैं, आप लोग वाकई में लाइफ के लिए सीरियस हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं एंड आप लोग लाइफ में कुछ वाकई में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो इट्स रियली अ बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स लेकर आ जाते हैं फ्रेंड्स जिन्हें उनकी उस टाइम पर ज़रूरत भी नहीं होती। लैपटॉप ले आए, 1 लाख रुपये का लैपटॉप ले आए, 5,000 दिरहम्स के मोबाइल फ़ोन्स हमने खरीद लिए, और वो भी फ्रेंड्स किस पे खरीदे हमने, EMI पे खरीदे फ्रेंड्स। EMI लेटर ऑन हम देखेंगे कि EMI को SIP में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे अगर आज हम फ़ोन लेकर आ गए 5,000 दिरहम्स का, 2 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, बट वहीं पर अगर आपने उस पैसे को अगर SIP में अगर कन्वर्ट कर लिया होता तो फ्रेंड्स बात ही कुछ अलग होती आपकी कंपाउंडिंग के कारण। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स कि 100 रुपये आपको 42 ईयर्स में कितना बन रहा था फ्रेंड्स, 42 लाख रुपीज बन रहा था फ्रेंड्स। 100 रुपये अगर आपने जोड़े 42 ईयर्स तक तो उसकी वैल्यू कितनी, उसकी कितना था टोटल इन्वेस्टमेंट, 50,000 रुपीज। 50,000 का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 42 लाख रुपीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये चीज़ लाना है। इसीलिए फ्रेंड्स जो रिच पीपल हैं और पुअर पीपल, रिच पीपल में और पुअर पीपल में सिर्फ हैबिट्स का फर्क है।
रिच पीपल क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं कि अगर आज मैं अगर 5000 दिरहम्स का अगर मैं मोबाइल फोन ला रहा हूँ तो 2 साल बाद या 1 साल बाद उसकी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी, बट अगर वहीं पे अगर मैंने स्टॉक में अगर पैसे लगा दिए होते तो स्टॉक में मतलब बिजनेस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेंगे और डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को फायदा होगा और उसी में डिविडेंड स्टॉक्स भी आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कंपाउंडिंग की पावर को रोकना नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर कोई चीज़ अननेसेसरी आइटम ले आते हैं फ्रेंड्स, लैपटॉप ले आए और भी बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम अपने हाथ से रोक देते हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है फ्रेंड्स, जो हम लोग ज़्यादातर लोग अवॉइड करना चाहेंगे फ्रेंड्स, और वो आता है फ्रेंड्स कि हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। जब भी हम अपनी एज अ बिगनर होते हैं तो हम मिक्स कर देते हैं इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को। अब फ्रेंड्स यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें मिक्स नहीं करना फ्रेंड्स। जब भी हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें फ्रेंड्स, तो हम एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स जैसे समझने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रेंड्स कि आज एक शेयर की कीमत थी सपोज 50 रुपीज पर शेयर। आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया, अगेन अगर आपने अगर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो आप बिल्कुल ओपन कर लीजिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय करने में आपको डीमेट अकाउंट मस्ट है। तो फ्रेंड्स 50 रुपीज़ का आपने, और एक और बात फ्रेंड्स, डीमेट अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपस्टॉक बहुत ही शानदार सा प्लेटफॉर्म देती है, जिससे आप उस डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद अपने सर्कल को शेयर करते हैं, वो भी अकाउंट ओपन कराते हैं आपके रेफरेंस से, तो आपको भी उसका कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जो मिलता है अप टू 1200 रुपीज़ पर रेफरल। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक मेंशन है, वहां से और कमेंट बॉक्स से आप लिंक को क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिक्सिंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, मान लेते हैं ₹50 का शेयर था आज आपने खरीदा, उसकी कुछ टाइम बाद मान लेते हैं सिलेक्ट सपोज 3 महीने 6 महीने बाद उसकी कीमत हो गई सपोज ₹100 पर शेयर। आपने कितनी भी क्वांटिटी ली वो मैटर नहीं करता, लेकिन ₹50 का ₹500 हो गया। आपने डिसाइड किया कि चलो मैं काम करता हूँ, आई विल सेल इट, डबल हो गया पैसा तो मैं उसे सेल कर लेता हूँ। बट फ्रेंड्स वेट, आपका यहाँ पर मोटो क्या था, आप यहाँ पर आए क्यों थे, इन्वेस्टिंग करने या ट्रेडिंग करने? इन्वेस्टिंग अगर था यानी लॉन्ग टर्म विजन था, तो ₹50 का जब ₹100 हुआ, हो सकता है 100 का आपको 500 भी हो जाए अगर आपने 2-5 साल तक अगर आपने रखा होता या 10 साल भी रखा होता, 500 का 1000 भी हो जाता। बट यहाँ पर आपने क्या किया फ्रेंड्स, आपने उसे सेल कर दिया, यानी आपने पावर जो थी कंपाउंडिंग को उसे आपने ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है फ्रेंड्स कि हमारा मेन मोटिव क्या है, हम करना क्यों चाहते हैं, इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई हो वेल्थ हमारा, हमारा फाइनेंशियल सिक्योर हो, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, चाहे इन्वेस्टर हों या चाहे ट्रेडर्स हों, दोनों के लिए कुछ स्किल्स मस्ट हैं। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस होनी मस्ट है, और ये फ्रेंड्स फंडामेंटल की सीरीज डे 2 है, और भी बहुत सारी वीडियोस हम कवर अप करेंगे जिससे आपको एक राइट एजुकेशन मिल पाए। और अगर आप एज अ ट्रेडर हैं, आप एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं ट्रेडर, दिन के 5000-6000 रुपये पर डे कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए टेक्निकल स्किल्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको मर्ज नहीं करनी, अलग अलग रखना है, दोनों का पोर्टफोलियो हो सके तो अलग अलग रखें। जैसे ये दोनों ने राम और श्याम का, दोनों का पोर्टफोलियो ही अलग अलग है, तो यही पे आपका भी पोर्टफोलियो अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स जो पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है, और वो बहुत ही अमेजिंग सा है फ्रेंड्स, क्लाइमेक्स है फ्रेंड्स इस वीडियो का। तो फ्रेंड्स ये क्या कहता है कि नॉट लर्निंग फॉलोइंग टिप्स। यहां पर क्या कहता है फ्रेंड्स कि यानी हम चीज़ों को, जब हम बिगनर होते हैं, जब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम चीज़ों को सीखते नहीं हैं, हम लोगों से टिप्स ले लेते हैं और उसी के बेसिस पर हम स्टॉक बाय कर लेते हैं। स्टॉक बाय कर लिया, प्राइस प्रॉफिट हो गया, तो हमने चलो बल्ले बल्ले हो गए, लेकिन वहीं पर अगर हमने लॉस किया तो हम फ्रेंड को गाली दें या ना दें, स्टॉक मार्केट को ज़रूर इग्नोर कर देंगे कि अब मैं आज के बाद कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स, आपके पास राइट नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या करना है फ्रेंड्स, किसी की टिप्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें सेल्फ एजुकेशन लेनी है फ्रेंड्स। सेल्फ एजुकेशन लेने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसी तरीके की आप वीडियोस देखेंगे, आप डेली अप्लाई करते जाएंगे, स्टॉक्स बाय करेंगे अपने फंडामेंटल एनालिसिस अकॉर्डिंग, तो आपको और एक्सपीरियंस आता रहेगा,
और एक वक्त आएगा फ्रेंड्स जब आपसे लोग टिप्स मांगेंगे कि आप बताओ कहाँ पर आपने पैसा लगाया हुआ है, तो ऐसे बनो कि आप लोगों को टिप्स दे पाओ, ना कि आप लोगों से टिप्स मांगो। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़ फ्रेंड्स कि जो सीखने की बात है फ्रेंड्स वो हर कोई सीख रहा है फ्रेंड्स। अगर आर्टिस्ट की बात करें फ्रेंड्स, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, नेहा कक्कड़ हैं, जब वो लाइव परफॉर्म करते हैं तो वो प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ों को उसने सीखा है, तब आज जाके वो इतनी ऑडियंस के सामने वो गा पा रही है। और नेहा कक्कड़ की बात करें फ्रेंड्स, ऑलरेडी उसने भी बहुत सारे कोर्सेज अभी लॉन्च किए हुए हैं, अपना खुद का सिंगिंग सीक्रेट शेयर किए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसकी भी लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप अगर आप सिंगिंग में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। एंड सीख हर कोई रहा है फ्रेंड्स, पहले उसने भी सीखा होगा, नेहा कक्कड़ ने भी, उसी तरीके से और भी जितने भी हैं डांसर्स, मेकअप आर्टिस्ट हैं, शेफ्स हैं, इन सभी ने चीज़ों को सीखा, उसे अप्लाई किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें वही करना है, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि यार मैं ये स्टॉक बाई करूँ या ना करूँ, हमें हमारे पास बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं, एज ए ट्रेडर हैं, तो हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होनी मस्ट है। सो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये पांचों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विल जस्ट क्विकली समराइज, पांच ऐसी गलतियां जो स्टॉक मार्केट में अगर हम और आप एज अ बिगनर हैं तो आज से इन गलतियों को अवॉइड करना शुरू करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा प्रॉफिट्स और बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। आप चाहते हैं ना फ्रेंड्स कि आप अगर आप 50 rupees का अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 500 rupees हो, 2 साल 3 साल 4 साल बाद 10 times हो, 20 times हो। तो फ्रेंड्स इन पांचों गलतियों को आज से अवॉइड करना शुरू करें वन बाय वन। नंबर वन आता है स्टॉक प्राइसेस डोंट मैटर। जब भी हम स्टॉक बाय करेंगे तो हम प्राइस को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उसका बिजनेस मॉडल कैसा है और उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या वो एवरी ईयर ग्रो कर रहा है, हर साल वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्टार्टिंग लेट, अगर हम लेट स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली यही जो चीज़ होगा कि राम और श्याम में जो पोर्टफोलियो का डिफरेंस आ जाएगा वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है वेस्टिंग मनी नॉट इन्वेस्टिंग। पैसे को फ्रेंड्स हमें वेस्ट नहीं करना, हमें वेस्ट नहीं करना, हमें इन्वेस्ट करना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना है। नेक्स्ट मिक्सिंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, दोनों के पोर्टफोलियोज को फ्रेंड्स हमें अलग अलग रखना है, मिक्सअप नहीं करना, और दोनों के पास अपनी अपनी स्किल्स होनी चाहिए। इन्वेस्टर हैं फंडामेंटल एनालिसिस मस्ट, ट्रेडिंग कर रहे हैं आप तो टेक्निकल एनालिसिस आपके पास मस्ट है। और लास्ट आता है नॉट लर्निंग फॉलोइंग टिप्स, चीज़ों को सीखना नहीं है, सिर्फ टिप्स फॉलो करेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे फ्रेंड्स अगर आप BMW की कार में अगर आप बैठ गए हैं ड्राइविंग सीट पर, तो अगर आपके पास गाड़ी चलाने की ड्राइविंग स्किल्स नहीं होंगी फ्रेंड्स तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे फ्रेंड्स, आगे आप ड्राइव को व्यू को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन पांचों में से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट में डू लेट अस नो। उसके साथ साथ अगर आपके कोई सजेशंस हैं, इफ़ यू वांट दैट हम कोई स्पेसिफिक वीडियो पर आपके लिए, मीन स्पेसिफिक टॉपिक पर आपके लिए कोई वीडियो बनाएं, तो डू लेट अस नो दैट ऑल्सो। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक, मतलब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लिए, बिकॉज अभी day 2 है, day 3 day 4 अभी आने वाला है, अभी स्टॉक मार्केट की और भी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो आत्मनिर्भर।